बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया पूर्व सैनिकों का अपमान। देखिए किस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर एक्सर्विसमैनों के साथ हाथापाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं गौरव सेनानियों के साथ में। ये वीडियो देहरादून की है जहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए जनरल बीके सिंह के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सैनिकों के साथ हाथापाई की। हाथापाई के बाद पूर्व सैनिक काफी आक्रोशित नजर आए और पूर्व सैनिकों के लिए इससे बड़ी अपमान की बात कुछ नहीं हो सकती है। देखिए इस वीडियो में किस प्रकार से ये बवाल हुआ और पूर्व सैनिकों ने किस प्रकार से विरोध जताया। देखिए किस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर एक्सर्विसमैनों के साथ हाथापाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं गौरव सेनानियों के साथ में। ये है पूर्व सैनिकों का सम्मान, आप लोग देखिए ये है पूर्व सैनिकों का सम्मान। हाँ ये पूर्व सैनिकों पर ये है हाथ उठाने के लिए। ये सारे कार्यकर्ता नहीं नहीं सर गलत चीज साहब, हाथापाई बस सर गलत बात, बहुत गलत बात सर, हाथापाई कर रहे हैं। देखिए हमारी लड़ाई कार्यकर्ताओं से नहीं है, हमने बोला है हमारी लड़ाई कार्यकर्ताओं से नहीं है मान्यवर, लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना गया इसलिए हमने संज्ञान पहले दे दिया। माननीय विधायक महोदय को हमने सबसे पहले 16 सूत्र मांगे बताई है कि मंच से हमारे बारे में कुछ बोले, लेकिन किसी ने नहीं बोला और उनके कार्यकर्ता आकर के यहाँ पर पूर्व सैनिकों के साथ में बदतमीजी करने पर उतारू हो गए हैं। बदतमीजी इसके बीजेपी के आदमी, ठीक है हमने बोला है मोदी जी हमारा आपसे कोई बैर नहीं है, हमारा आपसे बैर नहीं है, लेकिन संज्ञान लीजिए कृपया संज्ञान लीजिए हमारा। हाँ हम लाइव दिखाएंगे पूरी जनता को फेसबुक के माध्यम से मीडिया के माध्यम से। इस प्रकार से पूर्व सैनिकों का अपमान मत करवाइए, चाहे वो राष्ट्र हो चाहे प्रदेश सरकार हो, कोई भी कहीं पर भी सैनिकों का कोई सम्मान नहीं है। बहुत गलत मैसेज जाने वाला है आप लोगों की सरकार की वजह से। हाँ ठीक है हमने किसी के साथ हाथापाई नहीं की, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज पूर्व सैनिकों पर ये बसंत बिहार में हाथापाई कर दी है। दोस्तों इसका परिणाम बीजेपी सरकार को भुगतना होगा, इसका परिणाम बीजेपी की सरकार को भुगतना होगा और आपके एक मत से सैनिकों का सम्मान बढ़ेगा। आज आप लोगों के ऊपर ये सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है। आप लाइव रहे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बोलने नहीं दिया, हमको इनवाइट किया था, हमको इनवाइट किया था, हम ठहरा तो नहीं आए यहाँ सरकार के पीछे, हमको बोला निमंत्रण पत्र दिया गया था। ये देश का सैनिक का तेरी तो नहीं है, हमारे अधिकारियों को बोलने नहीं दिया गया, अंध भक्त नहीं है, हमारे अन्य कार्यकर्ता के बारे में हमें बोलने नहीं दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है, हाथापाई की है और ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमारे ऊपर FIR दर्ज करके दिखाओ। प्रशासन भी हम कुछ भी कर सकते हैं। टिहरी लोकसभा में आजकल काफी बवाल चल रहा है, पूर्व सैनिकों और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी तनातनी चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी साहब देहरादून पहुंची तो पूर्व सैनिकों ने उनका भारी विरोध किया। पूर्व सैनिकों के द्वारा टिहरी सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद,